चलिए अगली खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरा फोकस कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बैठक भी की है। बैठक के बाद सीएम ने कहा है कि हमारा विकास जो कि कमिटमेंट है और औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों के साथ चर्चा हुई है। इस दौरान सीएम ने बाहरी ही नहीं मध्य प्रदेश के नए और पुराने उद्योगपतियों से भी निवेश में विस्तार से बातचीत की है। ने गौर किया होगा कि हमने मेन टू मेन बात करने का सिलसिला प्रारंभ किया है और समिट में केवल उद्घाटन भाषण दे के चले जाना ऐसा नहीं है, और उसके बाद भी बाद में पहले अभी भी आज भी जैसे हमने बात की है, हमने राज्य के अंदर के निवेशकों से बात की है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनकी कठिनाइयों पर बात की है, उनके समाधान के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। भविष्य में जो आकर के इंडस्ट्री लगाएंगे उनके लिए तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, जो सब प्रकार के हमारे अपने संसाधनों से यहाँ जिनने चलाया वो और बढ़ाए, नए भी आए, इसे हर स्थिति में हर व्यक्ति के समाधान करने का प्रयास करें। अभी तक के रिकॉर्ड टूटे, अब ये तो 20 तारीख के दिन ध्यान में आएगा, लेकिन मूल बात फिर मैं दोहराना चाहूँगा, हमारा प्रयास रहेगा जो निवेशक अपनी ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो और विस्तारीकरण की तरफ आगे जाए, मध्य प्रदेश के भी नए उद्योगपति खड़े हो जिनको अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, तीसरा सभी सेक्टर के समान रूप से अलग अलग निवेशक आए, चौथा जो हमारा रॉ मटेरियल यहाँ मिल रहा है उस रॉ मटेरियल का भी उपयोग अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यहीं हो जाए ताकि बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो रोजगार का भी साधन बने और प्रदेश का गौरव का मौका भी। आखिरी बाहर के निवेशक भी आए तो वो आकर के यहाँ अच्छा महसूस करें, इसलिए सभी प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप करके काम करा रहे हैं वो अपनी जगह है, निजी ज़मीनों पे भी लोग अपना इंडस्ट्री लगाना चाहे तो सरकार सभी प्रकार की मदद उनको भी करेगी।